नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 6 मई 2020 के लिए मैंने बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाऊंगा, बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। उसका 100 डे ईमेल स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करके रखिए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें जो आप लोग को मैंने बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ तो इसमें आप लोग को आप लोग किसी भी लेवल्स कंपेयर करके सोच लीजिए 648 और इसमें बाई लेवल दिखा रहा है 648, कोई भी एक लेवल आप लोग एक सेट ऑफ लेवल्स आप लोग देख सकता है, नहीं तो दो तीन लेवल का मतलब मैंने बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, एटलीस्ट 7-8-10 लेवल्स दिखाता हूँ। तो उसमें कंपेयर करके इसमें देखिए लेवल्स दिखाता है बाई दिखा 643, तो नज़दीक वाला लेवल्स कुछ जो आप लोग सुइटेबल लगेगा वही लेंगे, और जो दूर का लेवल है या वो आप लोग सोच लीजिए वो नीचे दिखा रहा है या पास दिखा रहा है वो छोड़ दे सकता है, तो ऐसे करके आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी एक लेवल कंपेयर करके इधर देखिए कितना मैंने कैसे कितना सारा इंडिकेटर लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी वाला ई में क्रॉसओवर बोलिंजर बैंड पिवट पॉइंट प्राइस चैनल इसमें कुक आउट, तो ये आप लोग इसमें ये जो सोच लीजिए इधर 638 दिखा रहा है, 600 उधर 648 उधर 643, तो इधर बाई का लेवल दिखा रहा है, इधर देखते हैं इधर सोच लीजिए आप लोग को 635 में ये क्लोजिंग दिया है ऑरो फार्मा, तो इसमें क्या एंट्री लेवल दिखा रहा है आप लोगों को देखना पड़ेगा। सोच लीजिए 631 और 637 के ऊपर जा रहा है, तो इधर आप लोग 638 या 635-75 के ऊपर ये लेवल पे के लिए आप लोग आसानी से काम कर सकता है। तो बहुत सारे लेवल्स जो देता हूँ उसमें आप लोगों को कंपेयर करके आप लोग ले सकता है, इसमें भी लेवल्स है तो इसमें बहुत सारा लेवल्स दिख रहा है, तो इधर भी आप लोग कंपेयर करके एक चुन सकता है, नहीं तो कोई भी एक लेवल आप लोग चुन के काम कर सकता है। ये इसमें भी आप लोगों को बहुत ही सभी लेवल काम करता है, कोई भी लेवल काम नहीं करेगा आप लोग ठीक से एंट्री लिया गैप ओवर गैप डाउन कंसीडर करके। सोच लीजिए 653 और 657 के बीच में है, लेकिन 654-55 है, तो इसमें आप लोग 657 के लिए एंट्री ले सकता है, लेकिन 657 के आसपास आ गया है तो सभी समय टारगेट नहीं रखता है, तो इसी का आप लोग को 657.15 या कुछ 10-20 पॉइंट वापस रखना चाहिए। सोच लीजिए 620 या 657.20 या 625 के ऊपर आप लोग को ट्रेड लेना चाहिए, तो ऐसे करके आप लोग समझ के ट्रेड लेंगे तो आप लोग को 90% के ऊपर एक्यूरेसी के साथ ये प्रॉफिट देगा। तो कोई भी एक लेवल आप लोग अपना कर सकते हैं और या कोई भी एक लेवल, और नहीं तो कंपेयर करके मैंने जैसे बताया आप लोग मेरा लाइव डेमो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने कंपेयर करके कैसे लेता हूँ वो भी आप लोग देख करके कर सकता है। तो ये बहुत ही आप लोग को ये इतना सारा स्टॉक्स मिल जाता है फ्यूचर्स में, इसके बाद मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाऊंगा, कमोडिटी का दिखाऊंगा, फ्यूचर्स का दिखाऊंगा, तो एक दिन का ट्रेड आप लोगों को आसानी से हो जाएगा, ये आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे फ्री में मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिए, और किसी में आप लोग को डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को बता सकता है, आप लोग मेरा ट्रेनिंग ले सकता है, मैंने बहुत ही कम कीमत में ट्रेनिंग का आप लोग को ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करके रखा हूँ, तो उसको भी अपना सकता है और उसके लिए आप कर सकता है या कॉल सर्विस ले सकता है। तो इसके लिए आप लोग मेरा फ्री ट्रायल के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल में वो फ्री ट्रायल ज्वाइन हो सकता है, मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं एक दिन के लिए पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा आप लोग इक्विटी में कमोडिटी में या निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन पेयर ट्रेडिंग किसी भी सेगमेंट में आप लोग करना चाहता है तो एक दिन का पूरा आप लोग को लाइव डेमो दिखा दूंगा, ठीक है। इसका इसीलिए इसको ये बहुत ही रिसोर्सफुल रहेगा आप लोगों के लिए, इसके बाद आप लोग को
मैंने कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा, वो कौन सा कैंडलस्टिक में क्या 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 सॉरी कौन सा स्टॉक्स में क्या क्या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, तो वो भी एक उसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। 100 डे ईएमए स्ट्रेटजी देखूंगा, वो भी आप लोग ट्रेड ले सकता है। तो एक दिन का मतलब मार्केट ओपन होने के बाद एक एक बार टिकर मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों को ट्रेड हो जाता है। गैप और गैप डाउन के अंदर रह जाएगा तो आप लोग को हो जाएगा, गैप और गैप डाउन भी हो जाएगा तो तब भी आप लोग को जो लेवल इसमें जो सोच लीजिए किसी लेवल में गैप ओवर गैप डाउन का रेंज का बाहर हो गया है, लेकिन इसमें कोई जो लेवल का अंदर रहेगा तो उसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। तो एक दिन मतलब एक दिन का ट्रेड आप लोग को आसानी से हो जाएगा, ये बहुत ही रिसोर्सफुल लगेगा, आप लोग को सब्सक्राइब जरूर करके रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत सारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखा सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस सिस्टमैटिकली एनालिसिस पूरा होलिस्टिक एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ, उसमें निफ्टी चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, उसमें जो डेली बेसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाता हूँ, और ट्रेंड दिखाता हूँ, और इसका प्रोबेबिलिटी कैसा हो सकता है वो दिखाता हूँ, और भी बहुत सारा निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करता हूँ, तो आप लोग को सामने एक क्लियर पिक्चर लेने का कोशिश करता हूँ कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट का कौन सा डायरेक्शन में दिशा में जा सकता है, और इसे और कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, तो वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा मैंने लाइव डेमो अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी बाइंग सेलिंग लेवल्स जो है मैंने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग डिसीजन ले सकता है ट्रेनिंग के लिए या कॉल सर्विस के लिए, बहुत ही आगत है, आप लोग देख सकते हैं कितने एक्यूरेसी के साथ वो काम करता है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स आए उसमें मेरा यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप लोग कोई भी स्टार्ट सेटअप आप लोग अडेप्ट कर सकता है, वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है। गन मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड वाला स्ट्रैटेजी सुपर ट्रेंड टू डीएम हैक्स और VWAP हेकेनासी रेनको स्ट्रैटेजी और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोगों को पसंद आएगा, बहुत आप लोगों को ट्रेडिंग का स्टाइल में सूटेबल लगेगा तो वो आप लोग को अडेप्ट कर सकता है, तो उसमें भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स और एडुकेशन पर्पस बहुत सारा वीडियोस आए, लाइक पेयर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज ऑप्शन पेयर ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, इंट्राडे में कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है, आर्बिट्रेज कैसे किया जा सकता है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सब बहुत सारा चीज़, फिबोनाची कैलकुलेशन कैसे कर सकता है, फिबोनाची और पिवट पॉइंट का टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसमें एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सब बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन तो आप लोग जरूर देखिए, वो आप लोग को उसमें आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स मतलब जो फाइल डाउनलोड करने ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, और बहुत सारा मतलब कुछ जो लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है, अपस्टॉक्स एलिस ब्लू आस्था टेट एंजल बुकिंग में आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है मेरा लिंक के थ्रू में। उसके बाद ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक भी दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग को, और मेरा टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन होने का लिंक भी दिया है, जो सोशल नेटवर्क साइट मेरा है वेब पेज है मेरा वेबसाइट है, और ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम इसमें आप लोग फॉलो कर सकता है, उसमें मैंने रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा दिया चीज़ डिस्कशन करता हूँ पोस्ट करता हूँ, तो वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और ये जो इसमें जो बाय सेल लेवल का स्क्रीनर है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है वो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाने के मैंने पूरा फाइल दे देता हूँ, इसमें जितना सारा एफएनएस स्टॉक्स है कमोडिटी है निफ्टी बैंक निफ्टी है और फिर जितना सारा फ्यूचर्स का स्टॉक्स फ्यूचर्स है तो वो भी इसमें है, तो उसका आप लोग देख सकता है ट्रायल लेके मेरा लाइव डेमो दिखाऊंगा, आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे तो किसी भी एक्साइटमेंट में आप लोगों को डेमो दिखा दूंगा, तो इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसमें आप लोग को फायदा होगा इसमें, तो इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो इसमें फाइल है इसमें क्या क्या है कैसे स्क्रीन करना है वो भी आप लोग देख सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ये बाय सेल लेवल वन, ठीक है। इसमें बाय कैंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट आना तरफ रहेगा, और सेल कल एंड एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट टू वहाँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट आना तरफ रहेगा,
और हाँ ये जो ये है वाइस लेवल 2, इसको भी आप लोग देख सकता है। और कैसे गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है मैंने तो बोल दिया है ऑलरेडी। मेरा लाइव डेमो वाला वीडियोस देखिए, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरा टू डेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखिए। और बहुत सारा लोग बोलते हैं कि मेरा आप लोग का आपका मतलब वाइस लेवल समझ में नहीं आता है कैसे एंट्री लेंगे, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे को फीडबैक सकता है यूट्यूब वीडियो में और व्हाट्सएप में, किसी भी जगह में आप लोग को थ्रू में आप लोग कॉल भी कर सकता है। तो आप लोग को ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, फ़ायदे का चीज़ है, आप लोग को बहुत ही रिसोर्सफुल है ये फाइल। ये आप लोग बहुत ही आप लोग बहुत सारा चीज़ आप लोग बहुत सारा जगह में देख सकता है, बहुत सारा जगह से आप लोग को कॉल सर्विस मिल सकता है। ये उसका क्वालिटी और जो प्राइस जो है वो उसका आप लोग कंपेयर करके फिर इसका जो देखेंगे तो आप लोगों को ये अच्छा ज़रूर लगेगा। ठीक है, ये है वाइसल लेवल 3, ये है पिवोट पॉइंट का लेवल। ठीक है, उसके बाद ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड का है। तो इसमें इतना चीज़ आप लोग को एक साथ मिल जाएगा। तो और मेरा सोच लीजिए आप लोग यूज़ कर रहा है तो और आप लोग समझ में नहीं है तो आ रहा है, तो मेरा एक्यूरेसी फर्स्टली आप लोग जांच कर लीजिए। पहले तो डिसीजन लेना है आप लोग कॉल सर्विस लेंगे या ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद मेरा सर मेरा गाइडेंस पूरा रहेगा आप लोगों के साथ। तो इसमें भी आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। और यह है गन फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। ठीक है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट में भी आप लोग दिन भी निफ्टी बैंक निफ्टी का जब एनालिसिस भी आप लोग देख लीजिए, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है गन स्क्वायर ऑफ 12, ये सब चीज़ आप लोगों को ईजिली नहीं मिलेगा। ये गन स्क्वायर ऑफ 12 का हिसाब से, सॉरी गन स्क्वायर 360 का हिसाब से ये आप है या डाउन है ये भी आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी भी है, क्रॉस ओवर भी है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस डिस्कस किया था उसका वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें भी लेवल्स दिखाया और भी ये इधर बहुत सारा लेवल्स दिखा देता हूँ। 7, 1, 2, 3 सभी का लेवल वो उसमें एनालिसिस करने के लिए जितना सा ज़रूरत होता था उसमें मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का दोनों से मतलब और इंटरडे में जिसका लेवल्स है वो मैंने डिस्कस किया था। तो उसको जब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, फ़ायदा होगा इसमें। और इधर भी देखिए, इधर भी अपडेट दिखा रहा है कुछ, इधर भी ट्रेंड दिखा रहा है, इसमें से भी आप लोग ट्रेंड का पता कर सकता है। निफ्टी फ्यूचर कुछ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा अप दिखा रहा है, ये थोड़ा सा अप दिखा रहा है। लेकिन मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैंने डिस्कस किया उसको ही फॉलो कीजिए, उसमें ही एक्चुअली डायरेक्शन आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब वही होने वाला है। और इधर जो और मेरा लाइव डेमो वाला वीडियो में ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग मतलब क्या बोलता है आप लोग मेरे को पता करेंगे कि आप लोग लाइव स्ट्रीम में आएंगे, आप लोग को मैं आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग कौन कौन इंटरेस्टेड होंगे मेरे को यूट्यूब का इस वीडियो का यूट्यूब में या किसी भी यूट्यूब का वीडियो में मेरे को बता सकता है, कमेंट में बता सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो आप लोग को मैंने लाइव स्ट्रीमिंग आऊँगा, मैंने आप लोग को लेवल बोल दूँगा स्टॉक्स का, फ्यूचर्स का, मैंने जैसे जो लाइव डेमो जैसे दिखाता हूँ तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी आ सकता हूँ। तो उसमें आप लोग को लेवल बोल दूँगा, इस लेवल पे बाई होगा, इस लेवल पे सेल होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी स्टॉक्स कमोडिटी आप लोग जिसका जो मतलब जरूरत है जिसका जो पसंद है तो उसमें भी आप लोग आ सकता है। तो सेशन भी मैंने कर सकता हूँ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद कमोडिटी और भी कुछ बाकी आएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी चलाता हूँ, रात भी बहुत हो चुका है और मेरा इसको वीडियो करने के बाद अपडेट करने के बहुत ही टाइम लग जाता है और बहुत सारा चीज़ भी दिखाने का है। वीडियो जो लोग देखेंगे पूरा देखेंगे तो अभी फायदा होगा आप लोगों का।
अगर कुछ समझ में नहीं आ जाएगा आएगा तो आप लोग समझ में की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका किसी किसी कभी कभी किसी चीज़ मिलने के लिए कुछ मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। आप लोग कमेंट करके चला जाएंगे, मतलब उसको स्किप करके चला जाएंगे तो आप लोग को कुछ मिस हो जाएगा। इसमें इसके बाद मैंने 100 इवेंट का स्ट्रेटजी लिखा था। वो 100 इवेंट स्ट्रेटजी ये है कि जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को मतलब आज का डेली कैंडल को 100 सिंपल मूविंग एवरेज काट किया है, वो जब इसका कल जब इसका हाई जो ब्रेक होगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा। तो इधर देखिए ब्रिटानिया 3000 मैं ब्रिटानिया में ये काट किया है, ये आप लोग चार्ट पे भी लगा के देख सकते हैं। CSE में हुआ है, कोल पे में हुआ है, और डबल में हुआ है, ठीक है, स्कॉर्स में हुआ है, तो अभी और हो सकता है, मैं नहीं दिख रहा हूँ। और इसमें आर्बिट्रेज, इसमें देखिए कितना सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए आर्बिट्रेज का बेसिस पॉइंट भी आज का मतलब आज का जो मूवमेंट हुआ है स्टॉक्स और फ्यूचर्स का, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करना चाहता है उसको भी हो जाएगा, मतलब इधर से इनपुट्स या रिसोर्स कुछ भी बोल सकता है इससे मिल जाएगा। इधर से मतलब पेयर ट्रेडिंग का जो करना चाहता है जो लोग, इसमें कितना कौन सा स्टॉक्स कितना कौन सा पेयर में मैंने पूरा सेक्टर एक्सप्लोर करके ये सब बनाया हुआ है। तो इसमें आप लोग को जो दिख रहा है वही आप लोग को इससे बाहर में उसका स्टॉक्स में इतना मतलब कोरिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें आप लोग को ज़्यादा कोरिलेशन 90% के ऊपर या 85% के ऊपर 85% के ऊपर जो दिख रहा है स्टॉक्स में, उसमें आप लोग कर सकता है। या इसमें आप लोग वन डेज का हिसाब से किसको बाई करना है किसको सेल करना है, और 7 डेज का हिसाब से किसको बाई करना है किसको सेल करना है, और 15 डेज का हिसाब से किसको बाई करना है किसको सेल करना है, और 30 डेज के हिसाब से किसको बाई करना है किसको सेल करना है, मतलब इंटरडे पैट और डिलीवरी शॉर्ट टर्म सभी इसमें कवर हो जाएगा। और ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ट्रेंड का भी एक पता मिल जाएगा, क्या चेंज इन प्राइस दिखा रहता है, मतलब 7 डेज का हिसाब से 30 डेज का हिसाब से ये सब। अच्छा, इसके मैंने आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ, बहुत सारा चीज़ आप लोग को इधर से मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग मिस नहीं करेंगे, तो आप लोग को बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए इधर वन डे का हिसाब से इंटरडे मतलब इंसर्ट बना बार बना है अदानी एंड में, अदानी पोर्ट में, पावर में ये बना है, क्या बना है, वन डे का हिसाब से एनापुर, वन डे का हिसाब से इंसर्ट डबर एनापुर N7 बना है, अंबुजा सीमेंट में बना है। अब लोग इसमें से कुछ स्टॉक्स में सिलेक्ट करके 3-4 स्टॉक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर में करेंगे तो आप लोगों को एक दिन का काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। और इधर देखिए लोअर हाई लोअर लोस बना है एशियन पेंट में, और शायद आप लोग जानते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन में कैसे रूल्स है, कैसे इसको ट्रेड करना है। ये लोअर हाई लोअर लोस लगातार 3 दिन से बना है, ये हाई लोस बना है लगातार 3 दिन से। तो इसमें क्या होता है, इसका हाई जब ब्रेक होता है या इधर इसका लो जब ब्रेक होता है बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है। तो इधर देखता है पॉजिटिव हैमर हैंगिंग में कुछ बना है क्या नहीं बना है। हाँ, इधर एक इन्वर्टेड हैमर बना है डीवी स्लैब में, ठीक है। और इधर कमोडिटी में भी बनता है, तो उतना दूर तक मैंने नहीं आता हूँ। इसके बाद और क्या देखता है, मास्टर लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप लोग को जब भी हाई लो ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो इसका हाई और इधर इस साइड का लॉन्ग का हाई साइड और शॉर्ट का जब लो जब ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ये बुलिश सिग्नल भी है, हमारा ऐसा बैटरी दिख रहा है। शेकआउट पैटर्न भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, इनकेस पैटर्न लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न
एसीसी में बना है, अंबुजा सीमेंट में बना है, लॉन्ग टेल कौन सा साइड में बना है वो भी आप लोग को देगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये 50-50 का, भी आप लोग को बहुत ही अच्छा है, सभी ने इसका काम पर चीज़ है, ठीक है। इसके बाद इधर 42 कन्वर्शन कुछ आकर देखते हैं, इधर किकर सिग्नल बना है रिलायंस में, ठीक है। इधर 42 रिवर्सल दिखा रहा है टॉरेंट पावर में शायद, हाँ टॉरेंट पावर में। और इधर डार्क क्लाउड कवर ये भी लुकिंग, इसका मतलब ये सब नीचे जाने वाला है। ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट बना है बैकडोल में, ठीक है। ये सब स्टॉक्स आप लोग ध्यान पे रख सकता है, इसका आप लोग को अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। एसटीएल टेक, हीरो मोटो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बना है एसटीएल टेक में, ट्रायंगुलर पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है, इधर भी हुआ है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। और इधर इन्वर्टेड हैमर वगैरह इन्वर्ट पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कुछ बना नहीं है, फ्लैग पैटर्न भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर हेड एंड शोल्डर डबल टॉप डबल बॉटम में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेरी सेवन एंड वेरी मतलब गैप डाउन, गैप ओवर गैप डाउन को भी आप लोग देख सकता है। गैप में गैप थ्योरी में कैसे काम करता है जो लोग जानता है उसमें आप लोग काम पे लगा सकता है। अच्छा इसमें देखिए मैंने लॉन्ग टर्म का व्यू देता हूँ, फिबोनाची लेवल्स का, 7 डेज का मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, इधर सारा स्टॉक्स में दिखा स्क्रीन में नहीं आएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। फिबोनाची का लेवल्स 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 3 डेज का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से, 1 डेज का हिसाब से और 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को जब दिमाग पे रख के आप लोग चलेंगे, आप लोग नोट करके रखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि ये सब लेवल जब इंटरडे में आ जाएगा तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग इसका ट्रेंड भी आप लोग आसानी से पता कर सकता है। और इधर मैंने जो बनाया है सीपीआर पिवट पॉइंट भी ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में बनाया है, सीपीआर पिवट पॉइंट भी अच्छी तरह से, एक फिबोनाची एक अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सीपीआई पिवट पॉइंट एक अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मैंने आप लोग को सिखाना चाहता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये है वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, गन लेवल्स, ठीक है। ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ये फिबोनाची लेवल क्या है, ये है गन एंगल्स का लेवल्स, ठीक है। इसके बाद आएगा गन डिग्रीज का लेवल्स। मैंने मेरा आज का वीडियो देखिए, लाइव डेमो वाला वीडियो देखिए, मैंने ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल को ऊपर काम मतलब दिखाया है और कितना अच्छी तरह से मैंने 2-3 बार कैलकुलेट करके दिखाया, ज़्यादा टाइम नहीं था तब भी कितना अच्छी तरह से मिल गया है, मतलब प्रॉफिट दिया है वो आप लोग देख सकता है, एक के बाद एक रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे दिया है। और ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन होंगे तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ और आप लोग कॉल सर्विस लेंगे तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, अभी वीडियो यही ख़त्म करता है, थैंक यू।